श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के नगर निकाय चुनावों में निराश्रित पशु और आवारा पशुओं का मुद्दा चुनावों में प्रमुखता से हावी रहता है। नगर निकाय चुनावों के दौरान जनप्रतिनिधियों के द्वारा निराश्रित पशुओं को आश्रय उपलब्ध कराने और आवारा पशुओं के लगातार बढ़ रहे हमले से आमजन को सुरक्षा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला श्री गंगानगर की अनूपगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 में देखने को मिला, जहां 4 वर्षीय मासूम पर एक निराश्रित गाय के द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया है। रविवार की दोपहर हुए इस हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से 4 वर्षीय मासूम के ऊपर एक गाय के द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद हिम्मत दिखाते हुए 4 वर्षीय मासूम को इस हमलावर गाय से बचाया, लेकिन पूरा का पूरा ये दृश्य हृदय विदारक दृश्य है। गनीमत यह रही कि 4 वर्षीय मासूम को मामूली चोट ही लगी और उसकी जान बच गई। रविवार की दोपहर 4 वर्षीय मासूम पर एक गाय के द्वारा किए गए जानलेवा हमले के बाद पीड़ित परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है और आज स्थानीय पार्षद के नेतृत्व में स्थानीय लोगों और पीड़ित परिजनों के द्वारा अनूपगढ़ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निराश्रित पशुओं को आश्रय उपलब्ध कराने के साथ साथ निजी गोपालकों के द्वारा अपनी गायों को खुले में छोड़ देने पर पाबंदी लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अनूपगढ़ उपखंड अधिकारी ने पीड़ित परिजनों और स्थानीय लोगों को मामले में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। ये भाई साहब है, इनकी गुड़िया है छोटी सी, वो एक दुकान पे आई थी कोई सामान लेने के लिए अपने भाई के साथ, और अचानक उस गाय ने ऐसा हमला किया कि जिस किसी ने भी वो सीसीटीवी फुटेज में जो वीडियो बनी है वो जो देखी है उनका दिल सहम गया। तो हमारा आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को ज्ञापन दिया है कि ऐसे जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं, और ये तो आवारा नहीं है, ये तो पालतू पशु है जिसको वो दूध निकाल के और गलियों में खुले छोड़ देते हैं, इन सबको पाबंद किया जाए और जो आवारा घूम रहे हैं इनको पकड़ कर और गौशाला में दिया जाए। सर, एसडीएम महोदय ने आपको आज क्या आश्वासन दिया? एसडीएम महोदय ने कहा है कि कल इन्होंने कोई मीटिंग रखी है जो सभी गौशाला के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ है और कल इसका निस्तारण कर दिया जाएगा।